हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे स्किल एक्टिव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से जो है हम वीडियो नहीं बना पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे, और उस चीज़ के लिए सॉरी चाहेंगे। क्योंकि दोस्तों, काम का लोड हमारे पास ज़्यादा है और वीडियो बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज ही हमारे पास वर्लपूल की PCB आई है, और इसके जो हैं कुछ IGBT जो हैं उड़े हुए थे। इन्हें आप मोस्पिट भी बोल सकते हैं, और हम जो हैं इन्हें IGBT बोलते हैं। आप अपने हिसाब से इन्हें जो चाहे कह सकते हैं। इस PCB में एक्चुअल में क्या फॉल्ट था, इसका जो है कंप्रेशर ऑन नहीं हो रहा था। जो आगे डिस्प्ले में LED होती है वो रेगुलर ब्लिंक कर रही थी। तो जब हमने देखा तो इसके जो हैं IGBT हैं वो फटे हुए थे, देख सकते हैं। इसे कई लोग IGBT भी बोलते हैं, मोस्फेट भी बोलते हैं। तो काफ़ी ये जो है डैमेज हो चुके हैं, और जो है मोस्टली जो है सारे IGBT फटे हुए हैं। सिर्फ इनमें से जो है एक दो IGBT जो है बचा हुआ है, बाकी जो IGBT हैं सारे डेड हैं। अगर हम बात करें इन IGBT की और इसमें हुआ क्या था एक्चुअल में, वो आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ जो है हमारा जो यहाँ पे ये जो हमारे IGBT लगे रहते हैं, इनके लिए जो रजिस्टेंस जो यहाँ पे लगी हुई हैं वो किस लिए लगी हुई हैं, डायोड किस लिए लगे हुए हैं, कैपेसिटर किस लिए लगे हुए हैं, ये IC हैं ये किस लिए लगी हुई हैं, आज जो है थोड़ा सा इसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, काफ़ी सारी PCB में देखा होगा आपने कि उनके अंदर जो हो IPM होता है, IGBT नहीं होता। ये LG की PCB है और इसमें जो है IGBT यूज किए गए हुए हैं। काम दोस्तों सेम होता है, इसमें थोड़ा जो है सेफ्टी प्रोटेक्शन अलग से लगा दिए गए हैं, और इसका जो सेफ्टी प्रोटेक्शन जो है इसके इंटरनली ही होते हैं IPM के अंदर। यहाँ पे सिर्फ एक माइक्रो कंट्रोलर यूज किया गया हुआ है, ठीक है, और ये वोल्टेज रेगुलेटर। तो अभी हम इसकी बात नहीं करके इस पर बात करेंगे, ये तो सिर्फ आपको एक समझाने के लिए एग्जाम्पल होता है, ताकि आप लोग इसे समझ पाएँ अच्छे से कि इसमें अंदर IGBT कैसे लगे हुए हैं, या आप इसे मॉस्फेट भी बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ये दोस्तों जो 6 ICs लगी हुई हैं ये इन IPM के अंदर ही होती हैं, यहाँ पे अलग अलग लगाई हुई है। ये ICs एक्चुअल में दोस्तों जो हैं ड्राइवर IC होती है ये। इसका अगर नंबर की मैं बात करूँ IB3888ED, इस IC का नंबर है, फिर भी हम आपको दिखाना चाहूँगा। अगर दिखाई दे तो थोड़ा दिखाई नहीं देगा। तो इन ICO को अगर हम बात करें तो इन ICO को डायरेक्ट इस माइक्रो कंट्रोलर से, सॉरी दोस्तों, ये वाला माइक्रो कंट्रोलर जो नीचे मेन IC लगी हुई है, ये वाली, यहाँ से जो है डायरेक्ट स्विचिंग मिलती है। वो स्विचिंग हमारी इन IGBT जो हमारे यहाँ पे लगे रहते हैं उनको ड्राइव करने के लिए ये IC होते हैं। इन्हें IGBT ड्राइवर भी बोलते हैं, और इन IC को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। हम इसे IGBT ड्राइवर बोलेंगे क्योंकि एक्चुअल में जो ये है IGBT ड्राइवर होता है। और यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है ये किस लिए लगी हुई है, इनके बारे में भी बताएंगे हम, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार थोड़ा PCB को घुमा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टैंड दूसरा है। अब स्टैंड जो है थोड़ा लेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज इनपुट है, और वो भी हमारी यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट है। 380 जो हमारी पॉजिटिव वोल्ट बनती है, वो ये 3 IGBT जो यहाँ पे लगेंगे वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और नेगेटिव साइड जो हमारे ये 3 IGBT है, यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो नेगेटिव है यहाँ पे लगी हुई है, ये देख सकते हैं 1 2 3, तो ये वाले कंट्रोल करेंगे नेगेटिव वोल्ट को और ये वाले पॉजिटिव को, और ये जो है तीनों फेज जनरेट करेंगे, और हमारे को आउटपुट पर कंप्रेशर जो है चलता है हमारा इसकी 3 फेज पे। अगर हम अभी बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप जो हमारे IGBT के जो दो पैर होते हैं, ये देखिए, एक ड्राइव के लिए और एक जो दूसरे IGBT के आउटपुट से आ रहा है वो वाला। यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगी हुई है, ये जो है 103 नंबर की जो रजिस्टेंस यहाँ पे लगी रहती है, ये जो है हमारा पुल अप रजिस्टेंस बोलेंगे इसे हम, ठीक है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव पे लगती है एक ड्राइव को सेटिंग करने के लिए। यहाँ पे भी 10K की रजिस्टेंस लगी है,
ये भी 10K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 1.1K3 की, 1K नहीं सॉरी 103 की। तो ये इसलिए लगाई जाती है दोस्तों, जब भी हमारे IGBT पे स्विचिंग आती है इस IC के थ्रू, ठीक है, हमारे इस IGBT पे जब स्विचिंग आएगी तो जो कंपनी इसकी IGBT ड्राइव जो सेटिंग करती है उसी हिसाब से इस रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करके लगाया जाता है। अगर आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे जो आने वाली ड्राइव है वो भी कम ज़्यादा हो जाएगी। अगर इस वैल्यू को, मतलब कहने का मतलब, अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो ये ग्राउंड के साथ ज़्यादा कनेक्ट होती चली जाएगी और इसकी जो है स्विचिंग वैल्यू कम या ज़्यादा होती चली जाएगी। तो यहीं पे जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है 10K की तीनों पे, और यहाँ पे भी जो है 10K की यहाँ इस साइड लगी हुई है, ये शायद ये वाली जो है, इधर वाली, ये वाली जो है इसकी 10K की रेजिस्टेंस है, ये भी जो है सेम टू सेम इसी तरह यहाँ पे लगी हुई है ड्राइव के लिए। और यहाँ पे ये 0.0 की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए होती है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पे डायोड लगा हुआ है, बिल्कुल छोटा डायोड है, 4007 नंबर, और यहाँ पे भी डायोड लगा हुआ है, ये रहा, तो ये भी डायोड माइनस और प्लस में लगा रहता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम कभी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, इसका सर्किट जो होता है कि एक्चुअल में होता कैसे है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे ये PF लगा हुआ है, और इस PCB को हमारा रिपेयर करने का मकसद ये था कि इसे हम रिपेयर करेंगे, चलो IGBT तो इसके उड़े हुए थे हम डाल देते हैं, बट इसकी जो ड्राइवर IC है वो जो है बिल्कुल ये देखेंगे डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है हम इस PCB को जो है रिपेयर नहीं कर पाए, और इसे रिपेयर करना जो है थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर हम ये ड्राइवर IC लगा देते हैं तो हमारे, अगर ड्राइवर IC के इस साइड का सेक्शन फटा हुआ है तो हमें कन्फर्म नहीं है कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर से आने वाली पल्स जो है वो ठीक है या नहीं है, तो उसे भी हमें चेक करना पड़ेगा, और जब तक वो कन्फर्म नहीं होती तो हम इन चीज़ों को नहीं लगा सकते। और मोस्टली जब भी हमारी ड्राइवर IC कभी भी फटेगी दोस्तों तो कोई चांस नहीं होता कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर बचे, क्योंकि अगर हमारा IGBT शॉर्ट होते हैं तो सीधा ड्राइव जो है यहाँ पे शॉर्टिंग होगी, और ड्राइव के साथ ही देख सकते हैं बिल्कुल साथ में पिनें होती हैं और शॉर्ट होता ही IC डायरेक्ट हमारी जो ड्राइव है देख सकते हैं यहाँ से सीधा जो है हमारे मेन माइक्रो कंट्रोलर पे जाती है, और माइक्रो कंट्रोलर की जो है वैसे हमारी PCB ऑन होगी पर जो हमारे मेन CPU की जो आउटपुट होगी ड्राइव होगी उसकी जो है रीडिंग चेंज हो जाएगी। वो भी मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है कि हमारा जो मेन कंट्रोलर होता है उसके जो ड्राइव जाती है वहाँ पे हमारी कितनी रीडिंग आनी चाहिए ग्राउंड से, जो हमारी 6 आउटपुट आती हैं, 2 इस IC के लिए आउटपुट आती हैं, 2 इस IC के लिए आउटपुट आती है, 2 इसके लिए, एक नेगेटिव की और पॉजिटिव की इस पर आती है, नेगेटिव पॉजिटिव इस पर आती है, नेगेटिव पॉजिटिव हमारे इस पर 2 ड्राइव आती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो दोस्तों हमने इसे रिपेयर करने की कोशिश तो की बट इसकी ड्राइवर IC फटे होने के कारण हमने सोचा कि इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आप लोगों को भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो ये जो है तीनों ड्राइवर ICयां हैं जो कि स्विचिंग कराती हैं इनको, इनके जगह हम IR2110 भी लगा सकते हैं, पर IR2110 IC जो दोस्तों वो काफ़ी बड़ी होती है वो हम इसकी जगह नहीं लगा सकते, ठीक है। SMD में इसका एक इक्वलेंट आता है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी जगह कौन सा इक्वलेंट आप जो है लगा सकते हैं। ये हाई वोल्टेज IGBT ड्राइवर IC बोलते हैं इसे हम, ठीक है। तो ये भी देखेंगे यहाँ पे हमारे ये भी कैपेसिटर हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है एक, ये हमारी दोनों जो है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको 10K की बताई और ये 0.0 की है और ये डायोड है, सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो देखेंगे ये हमारे 0.0 की रेजिस्टेंस है जो कि सिर्फ एक पुल अप का, सिर्फ एक हमारा फ्यूज का काम करती है, ये हमारा कैपेसिटर है, और साथ में जो ये रेजिस्टेंस है जो हमारी इस IC से ड्राइव जाती है उस ड्राइव को आगे ये भेजती है, ठीक है, इस ड्राइव के, इस रेजिस्टेंस के थ्रू हमारी ड्राइव जाती है और जिससे हमारा IGBT है जो ऑपरेट होता है। मतलब इन रेजिस्टेंसों का आप काम समझ चुके होंगे कि ये क्या क्या काम करता है। ये डायोड हमारा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, ये हमारा कैपेसिटर है नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, और ये हमारे डायरेक्ट जो है नेगेटिव देने के लिए बीच में रेजिस्टेंस यूज की है जो कि 0.0 वैल्यू की है, फ्यूज का काम करेगी।
और ये हमारा ड्राइव का काम करेगी। जो हमारी ड्राइव जो है इस ड्राइवर आईसी से आएगी और यहाँ पे ये काम करेगी। तो आइए दोस्तों, आपको ये छोटी सी वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।